नमस्कार, मैं आम कच्चे आम की जेली बनाने जा रही हूँ। इसके लिए जो मैंने सामान लिया है वो आपको दिखा देती हूँ। बहुत अच्छी लगती है और बच्चे इसको बड़े चाव से खाते हैं। इसको ब्रेड पे लगाइए चाहे वैसे ही खाइए, बहुत अच्छी लगती है। देखिए मैंने क्या सामान लिया है इसके लिए। ये कच्चा आम है, इसको मैंने ऐसा आम ले छील करके बॉयल कर लिया। बॉयल करके हम इसको इधर छान लेते हैं। छानने के बाद ये पानी है इसके नीचे का जो निकला हुआ, और ये चीनी है, ये नींबू है। नींबू हम के रस हम थोड़ा सा डालेंगे ताकि इसकी चीनी ये जमने से रोकता है नींबू। और ये ग्रीन कलर है। आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी वीडियोस रिलीज होते ही मिल जाए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कीजिए। मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए। इसके लिए मैंने पैन लिया है। मैं आपको बतला दूं, जेली के लिए केवल पानी लेते हैं, इसके लिए इसका पल्प लेने की ज़रूरत नहीं होती। पल्प से इसकी ट्रांसपेरेंसी ख़त्म हो जाती है, वो जेली ना बन के जैम बन जाता है। और इसके लिए मैं अब चीनी भी मिला रही हूँ इसके अंदर। नींबू का रस बाद में डालेंगे और कलर भी बाद में। इसके लिए मैंने ये जो लिया है हैंडल वाला बर्तन, इसका हैंडल लंबा होना चाहिए, छोटा नहीं होना चाहिए। तो मैं लंबे हैंडल का बर्तन ले रही हूँ और गैस जला के इसको हाई फ्लेम पे पहले पकाती हूँ। ये तैयार हो गई है। अब मैं इसको जमा देती हूँ। कांच का बर्तन जो भी लेते हैं उसको लकड़ी पे रखना सेफ रहता है, इससे टूटने का डर नहीं रहता। मैं इसमें शिफ्ट कर रही हूँ इसको। थोड़ा अमाउंट बनाया है इसलिए मैंने प्याली में ले लिया, जल्दी ख़त्म हो जाएगा, वरना आप इसको कांच की शीशी में प्रिजर्व कर सकते हैं। और ये बहुत समय तक, कई महीने तक इस्तेमाल की जा सकती है। इसको जमने में कुछ घंटे लगेंगे, फ्रिज में नहीं जमाना है, धीमे नॉर्मल उस टेम्परेचर पे जमाना। देखिए मैंने पहले बनाई हुई थी, ये जेली बिल्कुल तैयार है और बहुत अच्छी, देखिए ट्रांसपेरेंट बनी है और बहुत स्वादिष्ट लगेगी। आप इसको खाइए, खिलाइए और अपने व्यूज शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। अगली रेसिपी तक के लिए नमस्कार।